नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज 9 सीट किसकी फैसले से अटकी। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये पहचान उनके लिए वरदान है तो सियासी तौर पर परेशानी का सबब भी। उपचुनाव करीब है और बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे की फाइट के बीच विपक्ष जिन मुद्दों को योगी सरकार के खिलाफ जमकर भुना रहा है वो सीधा पीडीए से जुड़ते हैं। खास बात यह है कि विपक्ष की झोली में गिरे ये आक्रामक मुद्दे योगी आदित्यनाथ के खुद अपने फैसलों की बदौलत हैं। इनमें से कुछ का असर लोकसभा में अयोध्या तक में नजर आ चुका है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं जहां बीजेपी को चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब फिर ऐसे ही फैसलों पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को जमकर घेर रहे हैं। आज देखिए सरकार को सुप्रीम फटकार, 9 सीट कैसे फंसी अब की बार। दंगाइयों को पहले दिन से संकेत अगर दंगा कहोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहे। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। कितने मौलवी और कितने मुंशी चाहिए आपको, कितने मतवल्ली चाहिए, क्यों नहीं आधुनिक शिक्षा वहां दी जानी चाहिए। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। भले ही देश में मौसम करवट बदल रहा लेकिन यूपी में सियासी आबो हवा इन दिनों गर्म है। वजह है 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। बटेंगे तो कटेंगे। पीडीएफ परिवार के लोग बटना मत। उपचुनाव के जंग में एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। मुकाबला कांटे का है लेकिन इस बीच सीएम योगी की चिंताएं बढ़ गई। वजह है उनके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2017 से यूपी की सत्ता पर काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक कड़क नेतृत्वकर्ता की रही। चाहे उनका भाषण हो या फिर उनके लिए फैसले, दोनों की चर्चा न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में होती। लेकिन उपचुनाव से पहले लगातार उनके फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया जिसके सहारे विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। पहले बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, फिर निजी संपत्ति पर अधिग्रहण को लेकर साफ कहा कि सरकार सभी निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, यूपी मदरसा एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया। ये वो फैसले हैं जो योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में लिया। लेकिन बीते कुछ दिनों में इन फैसलों पर रोक ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे फैसले ले रही जिससे चुनाव में जीत दर्ज कर सके। उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए, मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। सबसे पहले बात यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे। दरअसल योगी सरकार ने यूपी के 16,000 मदरसों को असंवैधानिक करार देते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी। योगी सरकार का तर्क था कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती जिससे बच्चों के विकास पर असर पड़ता। कई बार योगी इसको लेकर अपने विचार भी रख चुके हैं। कितने मौलवी और कितने मुंशी चाहिए आपको, कितने मतवल्ली चाहिए, आपकी परंपरागत शिक्षा केवल आपको देगी, क्यों नहीं आधुनिक शिक्षा वहां दी जानी चाहिए। हालांकि योगी के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया, साथ ही कहा कि पहले की तरह से चलते रहेंगे
यूपी में सभी मदरसे, जिससे यूपी के लगभग 16,000 मदरसों को राहत मिली, जिसमें लगभग 17,00,000 छात्र शिक्षा लेते हैं। हालांकि इस फैसले के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर दिखे और साफ कहा कि योगी सरकार ने अब तक जितने असंवैधानिक फैसले लिए सभी पर रोक लगनी चाहिए। वहीं योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने साफ कहा कि योगी सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहती और उसके लिए लगातार काम कर रही। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नीयत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो इसके लिए एससीईआरटी का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को जरूर करेगी। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अल्पसंख्यक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के पक्ष में है। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी, क्योंकि बुलडोजर बीजेपी के सत्ता के केंद्र में है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध कम करने के लिए बुलडोजर नीति लेकर आए, लेकिन चट घटना पट कार्रवाई का प्रतीक बने बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी, साथ ही आदेश भी जारी कर दिया कि सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जिनकी भी संपत्ति गिराई गई उन्हें 25,00,000 रुपए जुर्माना दिया जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसके इस्तेमाल की बातें करते हैं, इसे उनके बयानों से साफ समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संकेत देना है। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। यूपी की सियासत में बुलडोजर वो मुद्दा है जिसके दम पर बीजेपी कई सालों से यूपी की सत्ता में बनी हुई। ये वो फैक्टर है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में बुलडोजर वाले बाबा की पहचान दिलाई और इसी मुद्दे को लेकर योगी यूपी उपचुनाव में लगातार आगे बढ़ रहे थे। हर मंच से माफिया, गुंडों और अपराध को खत्म करने के लिए इसे आवश्यक बता रहे थे। हालांकि उनके इस मॉडल के खिलाफ अखिलेश ने झंडा बुलंद कर रखा था और जब कोर्ट ने रोक लगाई तो अखिलेश ने इसका स्वागत किया, बुलडोजर कार्रवाई को अन्याय का प्रतीक करार दिया। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए, उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अखिलेश के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जिस पीडीए फॉर्मूले के सहारे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इस फैसले से उनके इस पीडीए फॉर्मूले को फायदा पहुंचा है। वहीं बीजेपी के लिए यूपी में ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। सीएम योगी बुलडोजर को सुरक्षा कवच बताते हैं तो वहीं अखिलेश इसे कानून का उल्लंघन करार देते हैं। योगी का मानना है कि इससे गुंडों माफियाओं पर लगाम लगेगी तो वहीं अखिलेश इसे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का प्रतीक मानते हैं। योगी इसके समर्थन में कानून व्यवस्था का तर्क देते हैं तो वहीं अखिलेश इसे सरकार की तानाशाही मानते हैं। प्रदेश की आबादी में बड़ा हिस्सा पीडीए का है, ऐसे में अखिलेश कोर्ट के इस फैसले को पीडीए से जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर आरोप लगाती रही है कि बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ पीडीए के लोगों के साथ हो रही। साथ ही अखिलेश ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी अन्याय के प्रतीक को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाती थी ताकि लोगों को डराया जा सके। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को
इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। भले ही बीजेपी बुलडोजर एक्शन को जायज ठहराती, लेकिन उनके सहयोगी दल इससे इत्तफाक नहीं रखते और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संजय निषाद। लखनऊ में कुकरेल के किनारे बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई का संजय निषाद ने विरोध किया, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगानी पड़ी। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपते हैं और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो वो तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे विस्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दे तो कहां जाएगा। बुलडोजर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमेशा हमलावर रहे। यही वजह है कि योगी और अखिलेश के बीच बुलडोजर को लेकर तीखी बयानबाजी होती रही। योगी ने तो इस मुद्दे को दिमाग और क्षमता से भी जोड़ दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया अखिलेश ने भी जोरदार दी थी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसकी तमाम वजह बाद में ढूंढी गई, जिसमें से एक वजह बुलडोजर की कार्रवाई को माना गया। खास तौर से इसका असर अयोध्या में देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई। यहां के लोगों का कहना था कि बगैर किसी व्यवस्था के उनके मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बाद में मुआवजा भी ठीक से नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि लोग गुस्से में आ गए और ये गुस्सा जब वोटों के रूप में सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब इसी मुद्दे को अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी उपचुनाव में बीजेपी के लिए उसके फैसले ही मुसीबत का सबब बन गए, क्योंकि अगर विपक्ष इन मुद्दों पर योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा तो फिर उपचुनाव के साथ साथ 2027 के लिए योगी सरकार की राहें आसान नहीं रहने वाली। हाल फिलहाल योगी सरकार के खिलाफ कोर्ट के कई ऐसे फैसले रहे जो विपक्ष के लिए मुद्दा बन गए और विपक्ष उपचुनाव में इसे जमकर भुनाने में जुटा है। देखिए एक एक करके वो मुद्दे हम आपको गिनवाते हैं। पहला तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीडीए की जीत के तौर पर विपक्ष ने पेश किया। दूसरा, मदरसा एक्ट पर फैसले को भी विपक्ष ने अल्पसंख्यकों की जीत करार दिया। बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव से इसे सेट करने की कोशिश की गई। हर फैसले के माध्यम से ये कोशिश नजर भी आती है विपक्ष की, और ऐसे मुद्दे उठाने के पीछे विपक्ष की एक ही कोशिश है कि खुद के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हितैषी होने का मैसेज दिया जा सके, क्योंकि जिस पीडीए का विपक्ष दांव खेल रहा है उसकी आबादी अखिलेश यादव के ही शब्दों में प्रदेश में 90% है, तो जाहिर है यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसका समर्थन मिल गया तो 27 के लिए रोडमैप पर काम बेहद आसान हो जाएगा। अब जिस फैसले पर योगी सरकार को जनता की अदालत में असहजता का सामना करना पड़ा, उस बुलडोजर पॉलिटिक्स की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इस पर प्रश्न याद कीजिए तब उठा जब बुलडोजर के जरिए मजबूत कानून व्यवस्था का करते रहे योगी आदित्यनाथ, उनको विपक्ष ने घेरना शुरू किया।
पिछली सरकार को माफियाओं गुंडों से जोड़ने की योगी आदित्यनाथ की कोशिश आई और योगी आदित्यनाथ का बयान याद कीजिए कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो विपक्ष पर माफियाओं को शह देने का जो आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ, उससे जोड़कर भी बुलडोजर पॉलिटिक्स को पहचान के तौर पर स्थापित किया गया यूपी में। तीसरा है प्रदेश को भय मुक्त बनाने के सिंबल के तौर पर बुलडोजर की पहचान यूपी में स्थापित की गई, सीधा कानून व्यवस्था का प्रतीक बनाया गया, इससे जोड़ा गया और इसे विपक्ष के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाते नजर आए योगी आदित्यनाथ। लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों और फैसलों के बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स भी योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा बन गई है। लेकिन जिसे कानून का पर्याय खुद मुख्यमंत्री ने बताया, उस बुलडोजर जस्टिस पर सवाल क्यों उठे? तो देखिए दरअसल होता क्या रहा, यह देखा। पहला कारण, चटपट न्याय का जरिया बनता बुलडोजर नजर आया। इससे हुआ क्या, आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के लिए समय नहीं देने के आरोप लगने लगे। फिर विपक्ष ने एक तरफा यह भी कहा, अल्पसंख्यकों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ऐसे आरोप आने शुरू हो गए। कई जगहों पर अपराध किसी खास व्यक्ति का और सजा पूरे परिवार को, इस तरह के भी फैसलों पर उंगली उठी और बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ने का फैसला ही एक तरह से बैकफायर कर गया। लेकिन क्या उपचुनाव में भी इसका असर विपरीत दिख सकता है, या फिर हिंदू एकता के जरिए जो नया नैरेटिव योगी आदित्यनाथ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो विपक्ष के मुद्दों को ध्वस्त कर पाएगा, ये उपचुनाव ही बताएगा। जमीन अधिग्रहण, बुलडोजर और मदरसा एक्ट पर कोर्ट के फैसलों ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसके दम पर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा, उन्हें पीडीएफ विरोधी करार देने में जुटा। ये नौ के नौ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश जहां बीजेपी और उनके सहयोगियों को पीडीए विरोधी करार देने में जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल सुभा सपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी लगातार बीजेपी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ही पीडीए के सबसे बड़ी हितैषी। नवासी में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया, सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया, लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। दरअसल जिन मुद्दों को बीजेपी अपनी ताकत मानकर चल रही थी, उन्हीं फैसलों पर न्यायालय ने गाज गिरा दी, जिसका असर कहीं ना कहीं यूपी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें करहल, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी, सीसामऊ, मझवा, मीरापुर और फूलपुर की सीटें। इन सीटों पर इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश के पीडीए फॉर्मूला का टेस्टिंग ग्राउंड ये उपचुनाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए ये किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। यही वजह है कि दोनों ही नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी ने दंगा का प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। वहीं बीजेपी लगातार यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कह रही है, और इसकी वजह है कांग्रेस का एक भी सीट पर चुनाव न लड़ना। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूती के साथ टिका और 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को हराने जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी जीत के लिए कोशिश करेगी कांग्रेस। यहाँ पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है, इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए।
इसके लिए अखिलेश न सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही। जो कभी डॉक्टर रामलाल लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता या नेताजी या डॉक्टर रामलाल लोहिया जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी उपचुनाव में किन मुद्दों की गूंज असर दिखा सकती है, किन मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। ये मुद्दे हैं जिस पर जनता का माइंडसेट जीत और हार तय करेगा। तो सबसे पहले तो याद कीजिए कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मुद्दा गूंजा था, इसे कोर्ट ने हालांकि बाद में रद्द कर दिया। दूसरा मुद्दा है रोजगार और पेपर लीक का, इस पर भी विपक्ष जमकर घेरता नजर आया। तीसरा मुद्दा है संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव, हालांकि इसकी धार जरूर कुंद पड़ी है वक्त के साथ लेकिन खत्म हो गई ऐसा कहा नहीं जा सकता। चौथा मुद्दा है कोटा में, कोटा पर एनडीए सहयोगियों में मतभेद खुलकर सामने आया, यानी कि जो मोदी 2.0 में नजर नहीं आया वो 3.0 में बहुत जल्द दिख गया। इसके अलावा एक और मुद्दा जो कि सिर चढ़कर बोल रहा है वो है खाद की कालाबाजारी का मुद्दा। किसानों पर जबरदस्त रूप से यह असर डाल सकता है, वो भी तब जब किसानों की नाराजगी गाहे बगाहे सामने आती है। और इस मुद्दे की तीव्रता अखिलेश यादव बखूबी समझ रहे हैं, इस पर जमकर सरकार पर हमलावर भी हैं। तो मुद्दे चलेंगे या योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि, 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24।